सुमध्यान्ह प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक पतंग का अनुशासन पाठ के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित कहते हुए शीर्षक के अन्य जो मौलिक बात हैं उसके संदर्भ की चर्चा की जाएगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पतंग जिस प्रकार से अपने आकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अपने आप को संभालती है, कि उसी प्रकार से मनुष्य उसे शिक्षा ग्रहण करता है कि यदि उसे एवरग्रीन बनना है, आउटडेटेड नहीं होना है, तो वह भी समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करे। इसके पश्चात पतंग उड़ाने में सिद्धहस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी इसी अंदाज में ले तो वह भी जीवन की राह पर बढ़ता जाएगा। बस थोड़ा सा संभलने की बात है। जीवन की डोर यदि थोड़ी कमजोर हुई तो जीवन ही जोखिम में पड़ जाता है। इसलिए पतंग उड़ाने वाले हमेशा खराब माजे को अलग कर देते हैं, जिसका उपयोग कन्ना बांधने में किया जाता है। उसे धागे से पेच नहीं लड़ाया जा सकता। ठीक उसी तरह जीवन में भी उसी पर विश्वास किया जा सकता है जो सबल हो, जिस पर जीवन के अनुभवों का माया लगा हो, वही व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। पतंग उड़ाने में सिद्धहस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी उसी अंदाज में ले तो वह जीवन की राह पर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर सिद्धहस्त कुशल प्रवीण और चतुर व्यक्ति, यदि एक कुशल चतुर व्यक्ति प्रवीण व्यक्ति पतंग को उड़ाता है तो अपने पतंग को बचाकर दूसरे पतंग को काट लेता है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में यदि हम भी प्रवीणता कुशलता चतुराई के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाएं तो स्वाभाविक रूप से जीवन के जो रास्ते हैं सरल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे और बड़ी शीघ्रता से हम ऊंची उड़ान भर पाएंगे। इसके पश्चात बस थोड़ा सा संभलने की बात होती है, थोड़ी सी कुशलता और चतुराई दिखाने की बात होती है। जीवन की डोर यदि थोड़ी कमजोर हुई तो जीवन ही जोखिम में पड़ जाता है। जिस प्रकार से बिना माझा का पतंग का उड़ाना असंभव है, उड़ना असंभव है, ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन की डोर थोड़ी भी कमजोर हो जाती है तो जीवन नरक बन जाता है। समाज, परिवार, राष्ट्र आपको सही दृष्टि से नहीं देखता। इसके लिए आवश्यकता है जीवन में जो माझे हैं, जो रस्सी हैं, जो डोर है, उसके पूरी मजबूती के साथ पकड़ करके रखें, सही ढंग से उसका चालन का कार्य करें, चलाने का कार्य करें, ताकि जीवन का जो अस्तित्व है वह भी बरकरार रहे और वह जीवन अपने सही रास्ते पर सरपट भी दौड़ सके। इसलिए पतंग उड़ाने वाले हमेशा खराब माझे को अलग कर देते हैं। जो माझा होता है, माझा जब हम बनाते हैं तो उसमें इन चीज़ों को रखते हैं, शीशे का चूर्ण, अंडा, इसके बाद साबुदाना, फेविकॉल, कलर, एक बोतल पानी में उसको गर्म करके मिलाते हैं, जैसा रंग डालना है वैसा रंग डालते हैं और एक अच्छा रस्सी तैयार कर लेते हैं, ताकि बड़ी सरलता से हम दूसरे के जो पतंग है उसको काट सकें। तो हमें इन सारे औरों से एक रस्सी माझा तैयार करते हैं। इसी प्रकार से जीवन के जो रास्ते हैं उस रास्ते में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इसी प्रकार के जीवन रूपी अवयवों को समायोजित कर करके हम क्या करते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और जो जीर्ण शीर्ण स्वरूप है उनको हम बाहर कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन रूपी जो पतंग है सबसे ऊंचा उड़ता हुआ चला जाता है और हमारी जिंदगी सरलता और सुलभता के साथ पिता चला जाता है। जिसका उपयोग कन्ना बांधने में किया जाता है उस धागे से पेच नहीं लगाया जा सकता।
ठीक उसी तरह जीवन में भी उसी पर विश्वास की आवश्यकता है जो सबल हो, जिस पर जीवन के अनुभवों का मजा लगा हो, वही व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। इस संसार में एक ऐसे सबल व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति, यथेष्ट व्यक्ति की आवश्यकता आपके जीवन में कभी कभी पड़ती है। यदि वह आ जाए तो निश्चित रूप से आपके व्यक्ति का, आपके जो अंदर का व्यक्तित्व है वह निखर जाता है और उस पर विश्वास करने से आपको कभी हानि भी नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि आप जीवन में उस व्यक्ति पर विश्वास कीजिए जो विश्वास करने लायक है, उस व्यक्ति पर आप अपना संपूर्ण त्याग कीजिए जो मजबूत हो, जो पुरुषार्थी हो, जो अनेक प्रकार के अनुभवों से परिमार्जित और अलंकृत हो। इसके पश्चात धागों में कहीं भी अवरोध या गठान होना भी पतंगबाजों को शोभा नहीं देता, क्योंकि यदि पेच लगाते समय यदि प्रतिद्वंदी का धागा उस गठान के पास आकर अटक गया तो समझो कट गई पतंग, पतंग का धागा वही रगड़ जाएगा और डोर को काट देगा। जीवन में भी यही, जीवन भी यही कहता है। ऐसे भी एक जो दोहा है उस दोहे के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि जीवन में गांठ का होना रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे पर फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। जब धागा में गांठ है वह धागा कमजोर होता है। अगर जीवन की धागा, प्रेम की धागा में सारे समरसता यदि है लेकिन उसमें एक खटास चीज आ जाती है तो स्वाभाविक है उससे वह जीवन के जो धागे हैं कमजोर होते हैं और अंततः वह बिखर जाता है, परिवार, समाज और राष्ट्र के। उसी प्रकार से अगर पतंग के उड़ाने के समय में कोई गांठ मिल जाए तो पतंगबाजों के लिए यह सबसे मुश्किल काम और समय होता है। वह उसको संभालने में ही बहुत समय व्यतीत करता है, प्रतिद्वंदी को हराने में वह सक्षम नहीं हो पाता। वह गांठ दूसरे प्रतिद्वंदी के आकर उसी के पास अटक जाएगी और इसके पश्चात रगड़ खाते 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 अंततः पतंग वहीं पर कट जाएगा। उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपका पतंग आपसे कोसों दूर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी है, अगर जीवन की में कोई गांठ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसा विकल्प आए जो चुनौती के पश्चात भी हम उसका समाधान नहीं कर पाए तो हमारे जीवन के अस्तित्व को ही वह निगल जाता है और इस प्रकार से हम दुर्बल, कमजोर, असहाय, लाचार, व्यथित और पीड़ित हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें जब जीवन रूपी पतंग को उड़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी हालत में उस रस्सी में गांठ न आए ताकि हमारे जो दुश्मन है वो उस पर, हम पर भारी पड़ जाए और हमारी जो माझा है वह कट जाए। कटने का दुष्परिणाम यह होता है कि हम धरातल पर गिर जाते हैं और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में इस प्रकार के अनुशासनात्मक स्वरूप को हम अपने अंतःकरण में उतारें तो स्वाभाविक रूप से हम सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में सक्षम होंगे, दक्ष होंगे। इसलिए इस बात का आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रख करके हमें जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन में मोह रूपी रुकावटें आती ही रहती है परंतु सही इंसान इस मोह के प्रभाव पर नहीं ठहरता, वह सदैव मंजिल की ओर ही बढ़ता रहता है। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, यही मूलवाक होना चाहिए। 25 या 50 पैसे से शुरू होकर पतंग हजारों रुपए में भी मिलती है। इसी तरह जीवन के अनुभव भी हमें कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। छोटे से बच्चे भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं तो झूलीदार चेहरा भी हमें अनुभवों की मोती बांटता मिलेगा। अब हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के अनुभवों की मोतियों को समझते हैं। स्वाभाविक है जीवन अपने मोह माया में अनेक प्रकार की करवटें लेकर के आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी वह पड़ाव ऐसा होता है कि हम वहाँ ठहर जाते हैं, मंजिल भी मेरी समाप्त हो जाती है। लेकिन जीवन में चलने का महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि रुक गई आपका जीवन रूपी मौत आ गई, इसलिए हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में निरंतरता के साथ गति बनाए रखें। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। अगर हम ठहर गए, रुक गए, विवश हो गए, लाचार हो गए, व्यतीत हो गए, पीड़ित हो गए
तो हमारा जो जीवन का अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि निरंतरता के साथ गति बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। यही मूल वाक्य होना चाहिए अपने जीवन का। एक पतंग कम से कम पैसे में और अधिक से अधिक पैसों में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमें प्रेरणा का ज्ञान छोटे बच्चों से लेकर झूलीदार अर्थात सबसे वृद्ध व्यक्ति से भी प्राप्त यदि होता है तो उसको आत्मसात करना चाहिए, उसका अनुग्रहण करना चाहिए, उसका स्वरूपों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार की मोती, ज्ञान रूपी मोती, शिक्षा रूपी मोती, विचार सद विचार रूपी मोती आपको प्राप्त होते हैं तो वह आप पर निर्भर करता है कि उसे कैसे हम रखें, कैसे हम पाएं। और यदि उस चीज़ को लेकर के अनुभवों के साथ जीवन हम जीवन में आगे बढ़ें तो हमारा जो जीवन है सार्थक, सरल, सहज और उपयोगी बन जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात की है कि अनुशासन पतंग के साथ साथ जीवन का सबसे अधिक होना चाहिए। जीवन का पतंग यदि सबसे ऊंचा हो तो आपका महत्व बढ़ जाता है, आपकी उपयोगिता बढ़ जाती है, आपकी दक्षता बढ़ जाता है, आप उपकारी या अन्य प्रकार के सद्गुणों वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।